अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। अब्दुल सलाम अवान अवान टनल फार्म टिप्स आपसे मुखातिब है। आज इंसेक्टनेट में जो काश्त है अगस्त, ये हमारी जो फसल है ये हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह 27 दिन की। तो 27 दिन पे क्या क्या हमने जो है ना देखना है कि क्या प्लान हमारा होना चाहिए। अब एक पौधा ये है, आज हमने इसकी जो है ना आप शूटें जो शाखें हैं वो तुड़वाई हैं। ये आपको एक पौधा मरा हुआ नज़र आ रहा है, पूरे फील्ड में एक ही है। ये आमतौर पे वेल्ट की वजह से भी होता है, या बाज़ औकात औरतें जो शाखें चढ़ा रही हैं तो उसकी वजह से होता है, या नेमाटोड के मसाइल होते हैं। ये मैं आपको आगे चलकर इंशाल्लाह ताला कम्प्लीटली बता दूंगा। आज हमारी शाखें टूट चुकी हैं, बेल हमारी चढ़ चुकी हैं। अभी दोपहर का टाइम है तो फसल पानी ज़ोर शोर से मांग रही है, और यहाँ से इसने शूट भी करना है, भागना भी है। तो आज इसको जो खाद दे रहे हैं, मेरा प्लान तो पहले 2 DAP एक SOP का था, फिर मैंने उसको हाफ़ किया है। अभी हम इसको दे रहे हैं 1 bag DAP और 12.5 kilo SOP, 4 से 5 liter लिक्विड पोटाश दे रहे हैं। ये हमारा आज तक का प्लान है। जो इसके फ्लावर हैं, जो इसके फूल हैं, पीले फूल जिसको बोलते हैं, वो किसी किसी जगह पे ओपन हो रहे हैं, कहीं कहीं पर। फसल में बबलिंग ज़रूर है, देखें ये कहीं छोटी कहीं बड़ी, थोड़ी बहुत मसाइल ज़रूर है, वो मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ किस वजह से मसाइल हैं। और हमने इसके ऑफ शूट मुमकिन तौर पे तुड़वा दिए हैं। ये देखें, ये टूटी हुई आपको मिल रही है। ये देखें, ये फ्लावर कहीं कहीं पर ओपन हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और क्योंकि दोपहर का टाइम था, लेबर थक भी गई है, थोड़ी सी जो गलती हुई है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये उसने ऑफ शूट के साथ लेबर ने खीरा भी तोड़ दिया है, जो हमारा नुकसान का सबब बन सकता है। ये देखें, ये खीरा टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक। ये उसने बेबी तोड़ दिया है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ बाद में बहुत ज़्यादा मसाइल करती हैं। और इसी शेड में आकर दोपहर, क्योंकि थी गर्मी की वजह से, थोड़ी सी उसने जल्दबाजी ज़रूर कर ली है। खैर, नेक्स्ट प्लान हमारा, आज हम जो स्प्रे करवा रहे हैं इसको, इसको स्प्रे जो हो रहा है एबामेक्टन 100 लीटर में तकरीबन हम जो डाल रहे हैं वो 250, और उसके साथ हम क्लोरफिनापैर तकरीबन 100 लीटर में 100 ml लोकल किसी को मसान करा वगैरह का ले लिए। और उसके साथ ये इस पर थ्रिप्स है नहीं, सिर्फ माइटीसाइड के लिए कर रहा हूँ। अगर क्लोरफिनापैर स्किप कर दी तो बाइफेंथ्रीन ऐड कर दूंगा, ताकि इस पर माइट वगैरह ना आए। मैंने आपको पहले भी याद कर चुका हूँ कि माइट के लिए हम कोई ना कोई स्प्रे वगैरह करते रहते हैं, कोई ना कोई करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ताकि माइट के हम आने का इंतज़ार नहीं करते। ये नौ के बाद में हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाए। ये साइवल जगह है, ऊपर शीशम का दरख्त है, तो यहाँ पे पौधे थोड़े से आपको ज़्यादा हरे भरे और भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये शीशम का दरख्त जाली के अंदर से भी नज़र आ गया होगा, छाऊं महसूस कर लिया होगा। खैर, तो सूरत हाल ये है। इंशाल्लाह अब हमने इसकी ऑफ शूट पर पूरी तवज्जो देनी है। जैसे ही लड़कों ने आज अभी स्पीटर चला रहा है लड़का, मेरा सोलर दूसरी जगह पर गया हुआ है, दोनों सोलर दूसरी जगह पर गए हुए हैं, दूसरे रकबे पर, तो पीटर की मदद से तो कोई आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा इसको पानी लगाते लगाते। तो ये सूरत हाल है, पीटर की मदद से हम इसको पानी दे देंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो तवज्जो करने की बात ये है कि हमने वेल्ट को भी ज़रूर चेक करना है। हमने इस स्टेज पर जो इसकी शाखें हैं, जो ऑफ शूट हैं, वो हमने कोशिश करनी है कि जो है ना टाइमली तोड़नी है। अभी आज नहीं तो टूट गई हैं, कल नहीं परसों हम इसका अगर माहौल देखेंगे, अगर ये फसल मांगेगी तो हम इसको ज़रूर जो है ना इसकी शाखें तोड़वाएंगे परसों वाले दिन। और शाखें तोड़वाने के फौरन बाद, क्योंकि इसने ग्रोथ करनी है तो हमने पहले ही सोचा हुआ है, हमें यकीन भी है और हमारा साहब का तजर्बा भी ज़रूर है, हमने इस पर निप्थैलिक एसिड का स्प्रे करना है। अगर वो ना हुआ तो पोटाश जो है 30% वाली वो करेंगे। ये ओवरव्यू है फसल का। मुमकिन तौर पे 50 ml फी टैंकी में हमने
30% पोटाश लाइकर कैटलिस्ट हो गया या जो भी हो गया, वो हमने डालकर स्प्रे करनी है, वो बाद में फैसला कर लेंगे। या हमने 5 ml फीट एक मिनट फैलिक एसिड डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, फसल फिर डिस्टर्ब भी हो सकती है, फसल मसाइल का शिकार भी हो सकती है। जो इसके कैप्सूल हैं वो फिर ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट की तरफ कन्वर्ट हो जाएं, वो यहीं पे भी खुश्क हो सकते हैं स्ट्रेस में आके। ये देखें लड़कों ने जो है ना पीटर वगैरह चलाकर अपने पानी लगाने का जो है ना वो ड्रम भरेंगे, फिर इसको सेट शूट करके शाम को पानी भी इसको लगा देंगे। अभी खाद उसमें डालकर हल कर देंगे ड्रमों में, तो शाम को इसको आपको पीटर की शायद आवाज़ आ गई हो। तो सूरत हाल ये है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे, जैसे ही पहली चुनाई आएगी तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी नए सीज़न की फसल शुरू होती है तो हम उस पर कोई भी फसल हो कोशिश करते हैं कि जिसके जिसने कायनात बनाई है तो अल्लाह ताला के नाम की खैरात करते हैं, खुद बैठ के खा जाते हैं और लेबर भी खा जाती है। ये हमारा कई सालों से हमारा दस्तूर आ रहा है, तो अल्लाह पाक जो है ना हमारी रोज़ी रोटी में बरकत देता है, ज़रूर देता है। तो बगौर चेक किया गया है पिछले स्प्रे में, मैं कॉन्फिडोर बताना भूल गया हूँ, हमने स्प्रे जो है ना उसमें आपको ये बता रहा था कि हमारा जो स्प्रे आज हो रहा है इंट्राकाल हो रहा है, इंट्राकाल के साथ सक्सेस हो रही है, सक्सेस के साथ हम क्लोरफिनाफेर या हम उसकी जगह ऐड करेंगे बाइफेंथ्रीन, साथ में कॉन्फिडोर, साथ में हम इसके ऐड करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, एबामेक्टन माइट के लिए। थ्रिप्स तो वैसे ही इन चीज़ों से वैसे ही कंट्रोल हो जाती है। तो ये देखना है हमने, तो इंशाल्लाह ड्रम में हमारा जो 200 लीटर का ड्रम है उसमें हमारा एक पैक डाल जाएगा इंट्राकाल का, 500 ग्राम सक्सेस डाल जाएगी और तकरीबन 500 ml हमारा डाल जाएगा उसमें से, अल्लाह आपका भला करे, एबामेक्टन बाइफेंथ्रीन 200 या क्लोरफिनाफेर 200 और साथ उसके ऐड जो होगी अल्लाह आपका भला करे एबामेक्टन कॉन्फिडोर। वाइट फ्लाई है नहीं, अगर वाइट फ्लाई होती, अब कुछ दोस्तों को कहते हैं कि वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा आ गई है तो जाफिर का मोतई लेकर स्प्रे भी कर सकते हैं आप, अच्छे रिजल्ट्स हैं सब्ज़ी पर, कॉस्टली ज़रूर है, रिजल्ट खातिर खा हैं। अच्छा धनोट साइड पे कुछ लोग एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस ज़रूर देता है, रिजल्ट उसके अच्छे हैं। इसके अलावा मौसम अगर ठंडा हो यानी कि मुनासिब हो तो पोलो भी कर जाते हैं 20 ml से 15 ml, 15 ml 20 लीटर टैंकी में बहुत डोज है, लेकिन स्ट्रेस ज़रूर देता है, पोलो में डायफेंथ्रान है तो लोकल शायद ज़्यादा स्ट्रेस दे जाएँ। अब थोड़ी सी और गलती आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गर्मी की वजह से क्योंकि लेबर ने ये तोड़ दी है, अब परेशान नहीं होना, यहाँ से इसकी ऑफ शूट निकल रही है, हमने इसको फिर चला लेना है आगे इंशाल्लाह। तो अब्दुस्सलाम अवान जो हमारा चैनल है अवान टनल फार्मिंग टिप्स, यहाँ से चाहते हैं आपसे ज़्यादा सीखते और सिखाने का अमल जारी रहेगा। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मूवी अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।